गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर, वेलकम ऑल द स्टूडेंट इन योर ऑनलाइन क्लास। हम जूलॉजी पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा बायोडायवर्सिटी एंड इट्स इंट्रोडक्शन। तो हमने देखा था कि क्या बायोडायवर्सिटी का क्या मीनिंग होता है और उसकी इंट्रोडक्शनरी वे में हमने देखा कि जब बायोडायवर्सिटी होगी, जैव विविधता होगी, तो उसमें क्या होता है, स्पीसीज में जेनेटिकल वेरिएशन भी इंक्रीजेस होते हैं, यानी इसमें क्या होती है, अनुवांशिक विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हम इसी के रिगार्डिंग जो आगे बात कर रहे थे, हम टाइप ऑफ डायवर्सिटी की बात कर रहे थे या जैव विविधता के प्रकार की बात कर रहे थे। तो जैव विविधता के प्रकार में हमने जातीय विविधता और किसकी अनुकूलनों में विविधता की बात करी थी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में आगे आकार में विविधता डायवर्सिटी इन साइज। आकार में विविधता या डायवर्सिटी इन साइज लिखेंगे। सभी वर्गों के जीव एक ही आकार के नहीं होते हैं। सभी वर्गों के जीव एक ही आकार के नहीं होते हैं। एक आवास में सूक्ष्म जीव से लेकर विशालकाय जीव तक पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव से लेकर विशालकाय तक जीव पाए जाते हैं। जैसे सरीसृप वर्ग में कुछ सांप केचुए के समान छोटे होते हैं। तथा वही इस वर्ग में अजगर व एनाकोंडा जैसे विशालकाय सरपजी पाए जाते हैं। अजगर व एनाकोंडा जैसे विशालकाय सरपजी पाए जाते हैं। अतः हर वर्ग में जीवों पाई जाती है। हर वर्ग में जीवों के आकार में विविधता पाई जाती है। देखो, हम डायवर्सिटी ऑफ साइज की बात कर रहे हैं, तो डायवर्सिटी ऑफ साइज की या आकार में विविधता की बात करें तो हम खुद भी देखते हैं। जैसे अगर हम एवियंस वर्ग की बात करें, पक्षी वर्ग में बात करते हैं, तो वो छोटी सी चिड़िया भी होती है और मोर भी है, या हम ऑस्ट्रिच भी है, वे कलेक्टिवली आप इसमें रहे हैं एविस ग्रुप में, यानी कि पक्षी वर्ग में आते हैं। लेकिन वो पक्षी वर्ग के जीव में कुछ जीव ऐसे हैं छोटे आकार के हैं और कुछ जीव ऐसे हैं जो बहुत बड़े आकार के होते हैं। तो जैसे उसमें चिड़ियाएं भी आ रही हैं,
हैं, जिनकी स्पैरो भी है और उसमें पिकॉक या हमारा है ऑस्ट्रिच जैसे कीवी पेंगुइन जैसे जो एनिमल है वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ये इस तरह की जो सिचुएशंस होती है या इस तरह की जो सिमिलैरिटी डिफरेंशिएशन है या डाइवर्सिटी है वो हर वर्ग में मिलती है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि रेप्टिलियन वर्ग में, रेप्टिलियन वर्ग में लिजर्ड भी रेप्टिलियन वर्ग में आती है। अगर हम छिपकली की बात करें तो छिपकली है, या हम कैमेलियन की बात करते हैं या हम गिरगिट की बात कर रहे हैं तो वो भी किसमें आता है, रेप्टिलियन वर्ग में ही आता है। और साथ के साथ रेप्टिलियन वर्ग में हमने क्या देखा था, हमने डायनासोर भी रेप्टिलियन वर्ग का ही एनिमल। तो इस तरीके से एक जो सिंगल वर्ग होता है या एक पर्टिकुलर जो इंक्लूडेड एनिमल्स का ग्रुप होता है, उन एनिमल्स के ग्रुप में स्मॉलेस्ट एनिमल्स से लेकर बिग साइज एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या मिलती है, साइज इन डायवर्सिटी इन साइज, आकार में विविधता मिलती है। देखिए इसी में विविधता।
पृथ्वी पर उपस्थित अनेक जातियों के जीवों में विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को खाने के लिए पृथ्वी पर विभिन्न जातियों के जीव विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को खाने के लिए विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को खाने के लिए अनुकूलित होते हैं जैसे जैसे ब्रैकेट में लिखना बहुत सारे एनिमल्स हैं, बाघ हो गया, चीता, तेंदुआ, कुछ जीव रक्ताहारी ब्लड चूसने वाले रक्ताहारी कौन कौन है जैसे जो लाइस इत्यादि होते हैं लिखेंगे डाइवर्सिटी फूड animals can be
ब्रेडी, वो रस, गहरे समुद्र से लेकर आकाश तक पाए जाते हैं, गहरे समुद्र से लेकर आकाश तक पाए जाते हैं। यह मैंने एक बात कही थी, boiling, we ate
लिखिए जी अपने रंग रूप आकृति, जी अपने रंग रूप आकृति, जी अपने रंग रूप आकृति स्वरूप में भी विविधता लिए होते हैं, में भी विविधता लिए होते हैं, जैसे कुछ जीव, जैसे कुछ जीव वनस्पति के समान दिखाई देते हैं, कुछ जीव वनस्पति के समान दिखाई देते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना स्पंज सिलेंट्रेटा, कुछ जीव वनस्पति के समान दिखाई देते हैं, ब्रैकेट में स्पंज सिलेंट्रेटा, कुछ जीव अत्यंत चमकीले रंगों वाले, कुछ जीव अत्यंत चमकीले रंगों वाले, ब्रैकेट में लिख लेना कोरल मछलियां, कुछ जीव कोमल शरीर वाले, कुछ जीव कोमल शरीर वाले, ब्रैकेट में लिखना जेलीफिश, तो कुछ जीव कठोर संरचना, कठोर बाह्य कंकाल वाले होते हैं, तो कुछ जीव कठोर बाह्य कंकाल वाले होते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना शंख सीपी आदि, शंख सीपी आदि,
नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.